कुछ शक नहीं, अब मिल गए अब सब लोगों के साथ, अब कोई हमको अब देखिए अभी हमको बहुत तकलीफ थी, हम अपने लोगों को भी कहे हैं, आप लोगों को भी कहे, हमको बड़ा खराब लग रहा था, अब ये हो गया, अब आज अब हमको बिल्कुल जिसको कहिए कि अब मन सभी जो पांच पार्टी के सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और प्रदेश से तो सभी लोग आज इकट्ठा हो गए और एकजुट होकर के एक ही साथ आगे काम करने का निर्णय कर लिया, तो मैं इसीलिए आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि हम भी और हमारी पार्टी के सब लोग एक साथ मिलकर के आप सब लोगों के साथ यानी छह पार्टी एक साथ मिलकर के सारा काम करेगी और जो अभी आप बता रहे थे हमारे पुराने मित्र हैं भाई, ये ठीक कह रहे हैं, अभी जो हो रहा है दिल्ली से जो इधर से उधर किया जा रहा है सब जगह, तो इसको देखते हुए हम लोग को बड़ी मजबूती के साथ सब जगह और सब न सिर्फ सरकार बनाना है बल्कि एक बार पक्का जान लीजिए कि हम लोगों को पूरे एक एक इलाके में बहुत ठीक ढंग से हम लोगों को लोगों के बीच में मीटिंग करके और सभी पार्टी के जो हम लोगों के लोग हैं सब लोग मिलकर सबको जागरूक किए रहेंगे ताकि मिलजुल करके और जो इधर से उधर कोई करना चाहता है उसको कहीं सफलता नहीं मिले, और हम मिल करके बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे और पूरे अभी जो देश भर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम लोग फिर जो आज पीछे विपक्ष में पड़ गया है उनको फिर सत्ता पक्ष में लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, इसके आगे इसमें कोई शक नहीं, अब मिल गए अब सब लोगों के साथ, अब कोई हमको अब देखिए अभी हमको बहुत तकलीफ थी, हम अपने लोगों को भी कहे हैं, आप लोगों को भी कहे, हमको बड़ा खराब लग रहा था, अब ये हो गया, अब आज अब हमको बिल्कुल जिसको कहिए कि अब मन छोड़िए, ठीक ही कह रहे हैं, अभी एक साथ मिल करके छह पार्टी के लोग हम लोग जो भी आप जानते ही हैं सब मिल करके एक ही साथ जाके गवर्नर से भी टाइम ले लें, हालांकि हम जो गए थे तो हमने कहा कि भाई अन्य पार्टी के लोग भी तो आके आपको अपनी बात कहा, ठीक है, इसलिए आप ये कह देना चाहिए तुरंत जाके इमीडिएटली तुरंत यही कहना है आप सब लोगों को, तो अभी कुछ लोग एक साथ उनसे समय लेते हैं और जाते हैं और तब तक रहिए नहीं आप एक साथ हम लोग चले कर ले तब तक यहाँ पर रही है, तब जब वहाँ से लोग आ जाएंगे तो देखिए आगे क्या गड़बड़ करने की कोशिश को करता है, तो देखा जाएगा तो हमने तो पूर्ण में ही अपने आवास में माननीय मुख्यमंत्री जी और ललन जी को धन्यवाद दिया कि खास देश के परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने लिया है, और इससे पहले जो पांच दल यानी सीपीआई सीपीएम सीपीएमएल कांग्रेस और आरजेडी के सभी विधायकों ने हमको अतिरिक्त किया था दिल्ली रहने के लिए, तब हम प्रस्ताव करते हैं कि नेता के रूप में संयुक्त महागठबंधन विधान मंडल के नेता के रूप में श्री नीतीश कुमार जी का नाम महबूब आलम जी, मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। सीपीआई के श्री राम नरेश पांडे जी, हम भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नेता के रूप में नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव